राम ए मोरे बाबा ए भोले जोगिया हो राम कबीर साहब राम को जाना अंधकार से जीवन बचाना और उन कर आए रहा प्रभु कयमता बड़े भाई जितना लोग महात्मा आए हैं अच्छे अच्छे इस धरती पर बाल बच्चे के साथ रहे गृहस्थी आश्रम में रह के साधना किया। एक बात है कि कबीर साहब के दुलहिनी के नाम रहा लोई। लोई इतना शौकीन रहे बहुत अच्छी रहीं बहुत नगद रहीं और सामने एक बनिया रहा। बनिया देख देख के बड़ा मन में सोचे कि खाने के कबीर साहब के कुछ नहीं है लेकिन दुल्हन इनकर बड़ी शौकीन और हमारे पास सब कुछ रहते हुए हमार दुल्हन ना ठीक। इसी पर बोल कवि ने लिखा एक सवैया हाय रंग रूप देखी देखी बनिया विचार करे कैसी शौकीन यह कबीर जी की नारी है रात दिना सेवा करे अपने पति के केवल और दूसरे के ओर नार कभौन निहारी है बनिया वो सारे मोहारे से ताकत रहा और कभो कभौन भूल जात अपन दुकानदारी है होत नाही तन में बिहोश सोचे मन में और बनिया का नारी पूछे दुखित में बेचारी है वैद्या हकीम से इलाज कर पिया नाही तो तोहरे पकड़त बाट बड़की। अरे हाँ आज साल छह महीना से तू बड़ा बेचैन रहते है लेकिन मन के बात कबीर साहब अपने दुल्हन से नहीं बता सकत हैं इसलिए दूसरे के औरत देखे में बुद्धि जितना हो तो आधे पर चल जात है। अब बनिया का दिमाग नहीं काम करता तो कवि के लिखना पड़ा यही पर ज्ञान एवं अज्ञान का फैसला राम समेत गियनवा बिना पागल बनिया अरे गियनवा बिना पागल दुनिया अच्छी सुंदर रहली कबीर का जननवा गियनवा बिना पागल बनिया यही तरह से बनिया रोज रोज रहे भैया परेशान कहिया बोलही लोई हमसे सोचे अपने मन में ध्यान रात दिना बनिया जी लोई के देखत रहले परेशान ऐसे ही कुछ दिन बीत गया तब लोई मन में करे गुनान एक दिन एक बात या कबीर साहब कहूं सत्संग से आए लोई कहते हैं साहब ये जो सामने बनिया बे परेशान रहत है इतना परेशान रहत है कि जहां हमके देखत तहां उहिया तलक की दुकानदारी भी भूल जात है ओकर मेहरारू शिकायत भी करते लेकिन सुनत सहेजत नाहीं कैसे करी साल भर हो गवा मेहर हो टाइम पास करते आपसे ना ही कहा चाहत रहे लेकिन मजबूरी बा इज्जत के सवाल बा कबीर साहेब हसन
कहें महारानी इज्जत तो अपने हाथ में है, इज्जत इतना सरल नहीं है, तू काम करे अपन। कबीर साहेब बहुत समझावाई लेकिन लोई बात समझन पावे, गिया नवा बिना पागल बनिया। लोई बड़े फेर में सोचे लगली मनवा, गिया नवा बिना पागल बनिया। एक दिन के बाद कबीर साहब चला गए कहूं सत्संग में, और उनके घरे पर चार पांच मेहमान आए गए, और मेहमान का आए गए महापुरुष आए गए। ऐसा ही कुछ दिन बीत गवा, तब बनिया करत बहुत परेशान। एक दिना तो कबीर साहेब घर में नहीं रहा समान, वही समय में चार महापुरुष आयन बन के ये मेहमान। लोई अपने मन में सोचे कैसे सेवा करी भगवान। हमारे पास कुछ नहीं बा, साहेब भी नहीं है, पैसा भी नहीं बा, खाए के सामान भी नहीं बा। तो लोई सोचे धर के ध्यान, लोई सोचे धर के ध्यान, इज्जत कैसे बचे भगवान। घर में दाना पानी नहीं बाटे कनवा, गिया नवा बिना पागल बनिया। कबो कबो ऐसा हुआ करत है कि जब कोनो आपद विपत्ति आ जाए, कुछ नहीं सूझत, तो हर आदमी चाहे औरत हो चाहे मर्द हो भगवान का ख्याल करत, परमात्मा आप कैसे बचे, इज्जत कैसे बची। ये बात सोच के लोई सोचत है चलते आज बनिया से कुछ मांगब, कुछ दाल चावल ले आओ, महापुरुष बिना खाए न जाए दे, नहीं बड़ी बेइज्जती हो साहेब जी का। मेरे दोस्तों, तो जब लोई जात है तो बनिया देखता इतना खुशी भा कि दो तीन साल का तपस्या आज हमार पूरी होता। अरे हाँ, हमारे दुकान नहीं पता नहीं अंतर नहीं जाए, अब अंतर नहीं जाते हैं, लोई दुकान भी नहीं बा। पर लोई जब बनिया के तरफ नहीं जाते हैं तो बनियावा उठ के खड़ा हो के दुकान पर से कहत का बा कि हम तू इशारे से ए भगत सहारे से जईबू कहां मेरी जान। अरे अरे आवन, कहाँ जात हुआ वो आव। बनिया कहत काबा कि कवन सौदा ले बू चिरई मजे मजे बोल। जात बाटू घुघुटा तू खोल, आव अपनी मन के सौदा ले ले। जौन तोहार दिल हो, जौन कुछ इच्छा हो, अपनी मन का सौदा ले ले तू मेरे दुकान का कि हम तुम।
लोई या जगह पर सोचत हैं कि अब हम कुछ मांगा नहीं, अब कुछ कहा नहीं, तब से बनिया उठ के अपने पूछा था। हाँ महाजन, हमके 2 किलो चाउर दाल आटा दे दे, हमारे पांठे मेहमान आए हैं, बैठा है कुछ बा नहीं, उनके खाना खिलाओ की बा। महाजन कहे बहुत अच्छी बात बा, 2-4 किलो का बात जिन कर, 4-6 क्विंटल ले जा, तब तो लोई कांपे लगी, बाप रे बाप, हमारे पास 2-3 किलो का तो पैसा नहीं बा, 4-6 क्विंटल का बात। तो लोई हाथ जोड़ के कहत, कहा महाजन हमारे पास में पैसा नहीं, हमारे पास में पैसा नहीं, हमारे पास में पैसा नहीं, दसौदा उधार का कियन बनिया बोला बा पैसा नहीं उधार चाहे समान, बनिया मौका पाएगा कि ऐसा मौका मिले ना। तो बनिया का कहता, बनिया कहा उधार न दे बोई, कैसे मिले बनिया कहा उधार न दे बोई, लोई कहा देबे कैसे, आंखी में आसबा। लोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष साहब कबीर साहब के दुल्हन, ये तो सारी बात जानत रहे, ये 6 महीना आगे और पाछे जाने वाली नारी रहें, और नारी जकरे घरे में सही मिल जाए उकर मान अपमान नहीं हो सकत, मान हो सकत अपमान नहीं हो सकत। मेरे दोस्तों, आप लोग तो समझदार है, श्रोता है, सुनत है, समझ कबीर साहब नहीं, पर लोई इज्जत के बदे का कहता कि महाजन चाहिए बताओ देवे कैसी। तो बनिया कह उधार न देब, बल्कि अदल बदल कछ लेब। अच्छा अच्छा महाजन, बदलावना का लेबे। तो बनिया बड़े एहर और देखा था कि हमारे मेहरबुआ तो नहीं सुनता, कहत कहा बनिया, अरे सौदा बदले चिरई दई दे अपन तानवा, गिया नवा बिना पागल बनिया। विचार कर बिरहा, यह जगह पर लोई रोवत, लोई रोवता, कबीर साहब के दुल्हन रोवत हैं कि बाप रे बाप, का अब का करी, कैसे करी। तो जब यह जगह पर ज्यादा तकलीफ होता तो परमात्मा के दर्शन तो कह रहे, देखत भी रहे, ये स्वयं प्रभु निराकार से आवाज लगाए कि रोवत हैं, कहत का है। लोई उदास होई की, अरे नारी उदास होई के, लोई उदास होई की सोचई अपने मनवा, करे लागी प्रभु भगवान का तुमी रानवा,
प्रभु इज्जत तोहरे हाथ की। प्रभु यार बनिया हमारे इज्जत पर हमला बोला चाहता, और महापुरुष बिना खाए बैठा है, बिना पानी के बैठा। प्रभु हम तो सुना है कि बड़े बड़े भक्तन का लाज बचाया, प्रहलाद के आगे में हसे बचाए रहे तुम ही के, ध्रुव के बचाया। बड़े बड़े भक्तन के बचाए है प्रभु, आज हम का करें। लोई ऐसी बात आवाज लगावत है, ये परमात्मा बुद्धि और ज्ञान दिया। लोई कहत का है, एक बात मान भैया लागी थ चरणवा। एक बात माना महाजन हम लागी थ चरणवा, पहले समान दई दे जाबई भवानवा। पहले समान दई दे हम जइबै भवनवा। ए बाबा पहले खियाऊब भैया आपन मन पहले खियाइबै महाजन हम अपन मन माहुरा। साझवा कियौ बई साझवा कियौ बई भैया कैले मिलानवा। संझा कियाऊ संझा कियाऊ भैया कहते हैं नहीं ताकि करे दिल में कुछ शायद दया आज बहन के नाता समझ ले तो बात बन जाए, लेकिन हुआ तो दिमाग उसका काम नहीं करता। यह जगह पर वो बनिया का नाम रहा लाल जी साधो, साधो नाम था। और साधो एक बिरहा के अंदर आपके मिले कि साधो जितनी भजन कबीर साहब को बनी सब साधो के नाम से बना करती। वो साधो से बतलाए तो बहुत जने लोग आता आजकल समझती कि कहा कबीर सुनो भाई साधो, साधो। और साधो से कहते रहे कबीर साहब के साधो। तब शाम किया तब आप हमसे जोन आपसे वादा बा वो पूरा कर जा, लेकिन देखू समय जिन भूलू सूर्य अस्त आ जा। वहां कहा सूर्य अस्त हो आ जा भाई। जल्दी जल्दी लोई गईन भोजन बनाइन महापुरुषन के खिलाइन, खिलाई के बड़े प्यार से चरणामृत बनाइन पीन। थोड़ा से खाना बचा बधरे हैं और चरणामृत जैसे कबीर साहब आए महापुरुष चला गए। जब उनके खाना परोस के दिन और कबीर साहब सोचते हैं कि घर में तो कुछ रहा है ही नहीं, ये खाना कहाँ से आए। हाथ हैं पूछत हैं लोई दाल चाउर आटा तो नहीं रहा तो हाँ पांच छह मेहमान आए रहे नहीं कि बदे कहां से लिया। आंखी में आंसू देख कबीर साहब कहा तू रोवत है कुछ कहने बात का है रोवत है। तो लोई कहत का है कि बड़ी दुर्गतिया करावरी जमानी ढूर ढूरता नहीं नमा सिपानी।
नया नवा से पानी हरे रोवई महारानी धूर धूर धूरता चार कौर खाए कबीर साहब कहे बस कर कहे देखा हम रोवत है बदे है कि सूर्य अस्त हम समय दे रहे बनिया जोहत होए कितना बड़ी भक्ति बनिया किया एक मिट्टी के शरीर के बदलावने में दाल चाउर आटा भक्ति हमारे अंदर नायन साहब भक्ति बनिया के अंदर बा लाल जी कमो कमो बात समझ में आवा करत एक ही बात यही पर याद आई गई कि कुछ बात ऐसा हो था कि बिना कहे रही नहीं जात एक आमे के पेड़े के महात्मा बुद्ध बैठा रहे कबीर साहब के बात का बात या महात्मा बुद्ध बैठा रहे एक पेड़े के नीचे एक सज्जन पहुंचे 15-16 साल का लड़का एक ईंटा मारे दुई आम गिरा एक ईंटा फिर मारे तो दुई आम फिर गिरा तीसरका ईंटा जब मारे तो जाए के महात्मा बुद्ध के छाती पर लग छाती पर लग महात्मा बुद्ध रोने लगे रोने लगे रोने लगे वो लड़का आम सांप फेंक गवा घोड़े पर गिर पड़ा मुड़े से प्रभु आपका चोट लग महात्मा जी आपके चोट लग गए आप रोवत हैं आप रोवत महात्मा बुद्ध का कहें कहें बच्चा हम चोट लगवे बदे ना ही रोवत है हम चोट बदे ना ही रोवत है रोवत है बदे आई कि दो ईंटा मारे तो तू चार याम पाए और एक ईंटा हमारे लाग हम का दे तो है हमारे पास का वाय रोवे के और हम कह का सके रोवत है बदे आई कि एक आम मार भी खाए फिर भी चार याम दे अब हम मार खावा मेरे पास आंसू तो यही बात को साहब कबीर साहब को दुल्हन अपने दुल्हा से कबीर साहब से साहब बनिया को भक्ति न भूल अब तू खाम जात है कबीर साहब कहे रोवा जी तो के पैदर न जाए थे अब पानी बरसई न तो बरसई कबीर साहब बोले मधुरी बानी और बरसत यह जिमके अरे पाँव में चहला लाग बाद वैद चरणवा गिया नवा बिना पागल बनिया बाप रे बाप लोई कहे का कहत है कहे हम ही कहत है कि बड़ बड़वारे रजाई गद्दा दसाए हुए चार पाई सजाए हुए और तू माटी कीचड़ लगाए के जाबू वो करे गद्दा पर जब बैठबू तू का कहे पहले चरण धोवे दे तो कहे फिर रास्ता में जाब तो का फिर माटी कीचड़ न लागे का तो कहे का हम पैदर जाए देव का कहे तब कैसे लिया चलबे कहे कंधा पर बैठा के लिया चल बारे कबीर साहेब बारे कबीर साहेब आज के बात सोचें ये मट्टी के शरीर है इसके बदले में अन्न मिला और महापुरुष खाए के गए ये बात भूलब न कबीर साहब को कहे नहीं हम कंधा पर न बैठब कहे तो कंधा पर न बैठब तो हम जायू न दे अब मामिला बच गए कहे चलो थोड़ी देर के लिए पानी बरसत अब करब का करी बनिया यूं जगह पर दूसरे औरत हो तो सोचत की अब का करी चाह बनिया भेंट करें चाह बनिया ऊपर पर जाए लेकिन जब हमार आदमी कंधा पर बैठा होता तो हम न जाब लेकिन कहा ठीक बा जैसे तू ले चल लेकिन ले चल बनिया के बात पूरी करना बा एक तर्ज आए लाल जी कबो कबो हमारे यहाँ जब बारात दुआरा उरा लग जाता और औरतन दुल्हा जब बैठ जाता तो के दहू भात किया वो लेके जाती और गावत की लेके जाती जो घरे के औरत रहती वही गावत बहेतु नहीं अच्छा। बहेतु मतलब बाहर वहर के जो आवत वो नहीं
धुन कर तरज आई वो गावा कर तीन अरे नई नई हणिया में दहिया जमावा रे दर्ज तो बाहर करना हो रामचंद्र ये अपने मट्टी के तर्ज अपने गांव के तर्ज अपने इलाहाबाद का तर्ज और इलाहाबाद में लमाही के तर्ज आई जब हम 5-7 साल करे तब से सुनत चला आई आवाज भी तर्ज गावा जाता और तर्ज बिगड़ गए लेकिन ये तर्ज ना आज बिगड़ा बचा गावत है बड़े प्रेम से गावत है मजा भी लेती अरे नई नई मेटिया में दहिया जमवली हाय हाय रे अब दुल्हा को दिना कितना रंग बा चाहे दुल्हा गरीब को चाहे अमीर को हो चाह दही कभी आंखी से न देखे हो लेकिन वह दिना सबके देखा था कि कैसे खाई उगिल देता ते औरतों कहां छोड़ाई वाली हैं वो का कहता है अरे कुछ हे दुल्हा तू कैसन है यार औरत ये यार कहता है एक तसे की छोटवार लड़की कहता हे जीजा काही उगिलत है तसे बुढ़िया कहता अरे कुछ खाए नी कुछ भुइया गिराई देन हाय हाय रे इत तर्ज रहा इसी तर्ज में कभी का लिखा और लिहलन कबीर साहेब कंधा चढ़ाई हमार कोई का करी कबीर साहब कहे हम अपने दुल्हिनी के कंधा पर बैठा लिया कि हमार का करी दोनों परानी के जोड़ा बा साइकिल दोनों पहिया के एक बा अब बिना पहिया के चलत नहीं कभो आगे कभो पाछे कभो पाछे कभो आगे पर दोनों का हवा जरूरी बा यह जगह बराबर के बात चलता बहुत जने कहती अरे यार मेहरारू के कंधा पर ले लेन यहाँ आजकल पिक्चर देखत आधा पिक्चर कंधे पर चलता बड़े बड़े रहीस कान है पर लेके टहरत हैं हाथे में खिलावत हैं जना 5 साल के बकरिया आय लिया लेन कबीर साहेब कन्या चढ़ाई हमार कोई कातरिया यार कंधा बैठावत हैं पानी बरसता ऊपर से काठी बोरा कथरा उड़ावत हैं अवर का कहीं जो तुहार मूड़ उड़ न भीजे बार उड़ न भीजे न तुहार काजर छुट जाए तो मजा न आए कबीरों साहेब मजा लेते हैं और जानत कुल है साहेब साहेब को पद भी रही दास को पद भी उनका ना ही रही साहेब का मतलब होता स्वयं निरंकार काहे कि गाना से पता चलता साहेब रे तोरी ऊंची अटरिया मेरे दोस्तों अब हर बनिया मेहरारू कहता खाए ले अब कैसे खाए ले 7 बजे था बेटाइम होते हैं मरिया नया का कहत रही आवे आए आए महापुरुष का दुल्हन है झूठ तो न बोली के जाने कबीरवा आई हुए बनिया का कहता के जाने आए हुए बड़ा आईने बाज बन ना ही तब लोई आए इतना सोचत था और तब से कबीर साहब लेके पहुंच गए पहुंचे कबीर साहेब बनिया दुकनिया पहुंचे कबीर साहेब बनिया दुकनिया पहुंचे कबीर साहेब बनिया दुकनिया
खटकावई केवार छिटकनिया केवार चिटकिनी खटखटाएं बनिया दुई कवर खात रहा दुई कवर खाए रहा कवरवा जूठे हथवा चल देस मेहरारुआ कहे कसो का भ कहे कुछ कुछ नहीं कहे गड़बड़ान मशीन का कहे नहीं 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 गड़बड़ान पहुंचे कबीर साहब जब बनिया दुकनिया और लागे खटका वही केवार सिटकिनिया अरे बनिया दवड़ी की आई हमार कोई का करिया अरे बनिया दवड़ी की आई हमार कोई का करिया जैसे दरवाजा खोला था बनिया अरे विद्या प्रकाश अब का बताई जब कबीर साहब के कंधा चढ़ाए लोई के देखिन बनिया राम का पूरी मशीन गड़बड़ाई ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा एक माया लेके बैठा है खड़ा है ये माया तो है शरीर ये माया लेके स्वयं हमारे दरवाजे पर आए अब बनिया का हालत खराब का पता कि अरे बाप रे औरतिया सोचे से कहीं नरियात है का बात भर जब दवड़ के बनिया आए देखा था तारी उतर और घबराता कि ई क्या हो गए आज नई बात देखे के मिलती कबीर साहब कहाँ आए गए हैं और अपने दुल्हन कंधा बैठा के आए हैं देखत बनिया अजीब एक बतिया बैठाएन कबीर अवरतिया अरे गैलेन महाजन ल जाय दरना ना नारा ना नार ना नारा नार ना दर नार 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 गाइलेन महाजन ल जाय हमार कोई का करिया कभी सह मजा लेते है न बनिया का हालत देखें तो बनिया कांपत आ और कबीर साहब मुस्कुराए के कहते हैं का महाजन केहर बच्चार पाई तुहार अब बनिया के बोल बंद बनिया पाछे खड़ी हुई सोचता है ये चार पाई पूछत है आज ये दोनों परानी हरई रही क्या होकर उल्टा ही बात समझ में नहीं आवता कबीर साहब कहे देखा भाई साहब बड़ा मेहनत के लिए क्या होता है चहला माटी नहीं लागे दिया अपने हाथे से हम गुलाबी लगाए के तब लेके आवत है हम तोहरे जहाँ चार पाई हुए वहीं पर इनके उतार न बीच में हम उतार नहीं सकी अब बनिया का हालत खराब बनिया सोचे तो कौने बिली में हाथ ना ही राम यार मेरे दोस्तों कबीर साहब कहत कहाँ हैं पूछे कबीर साहब कहाँ चार पाई जरिया पर दे पहुंचाई नहीं दुलहिन दई चहला लगाई हमार कोई का करिया महाजन हमारे संग बड़ी भलाई की है आपका हम यश जिंदगी में भूल न पाऊ महाजन
साधो साधो भैया जैसन तो सेवा कह दे, हम महापुरुष बिना खाए चला जाते हैं तो बड़ी बड़ी संगत में कहते हैं कबीर इतना बड़ा नामी आदमी ते करे हिया हम गए पानी और खाना नहीं पावा, इसलिए माफ कर दे भाई साहब, कहाँ चार पाई बा, हम वहीं पहुंचाऊ तब बनिया से नहीं बर्दाश्त, बनिया लम्मा लम्मा लेट के लाल कबीर साहब के पांव पर लम्मा लम्मा दंडवत प्रणाम करके पांव धो के रोवाता। जब रोने लगा अपने गलती पर आदमी ख्याल करत कबीर साहब तहिया तक कहे कबीर आया संसार में हंसना नहीं कोई, कब कहां खूब हंसो लेकिन केहू के दुख में मत रो, केहू के दुख में रो दुख में हंसो मत, कोई पड़ोसी दुखी हो तो ऐसे मान लो दुश्मनी बा और कल लड़का मर जाए तो तू हंसो मत। कबीर साहब का सीख या कहत हैं कबीर यह दुनिया में हंसना नहीं कोई, आ जाओ नाव समुद्र में न जानी का, पता नहीं ये शरीर नाव रूपी बा, पता नहीं कौने घाटे जाए कौन किनारा मिले कि न मिले, बीच में कहूं चील कौआ न खाए दे कुकुर सियार न खाएं थे, यह पर अभिमान नंबर मत कीजिए मेरे दोस्तों। श्रोता आप विचार कहना का बा, जब पैर पर गिर कर रोवता तब कबीर साहब कहते हैं साधो मत रो न रो इत हो जाता, जब विचार करबे तो जेकर ज्ञान ना है तमाम लोग ऐसा फंस चुका है, ये ऐसा सृष्टि का व्यवहार ही बा, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े फसान में फंस गए, साधो तू फंस गए तो कोनो बड़ी बात नहीं लेकिन तू तो बच गए कगारे पर खड़ा है, आज तुहार मौका अच्छा मिला बा, हाथ जोरे बनिया कसूर माफ, हम बड़ा बुद्धू के ज्ञान कछु दई दे, पागल है प्रभु अज्ञानी है ये मेरे पास कुछ समझ, प्रभु हमके माफ कर दे, इतनी बड़ी गलती हमने किया कि 2 किलो दाल या चाउर आटा पर महापुरुष की स्त्री पर इतना बड़ा हमला बोला, हमके ये नरक से बचाए दे प्रभु, प्रभु। ओ कबीर साहब कहना है रोम रोम मत, तुमको माफ कर, साधो मत रो तुम्हार दुनिया में नाम रहेगा, साधो आज को रो तुम्हार दुनिया में काम चलेगा, कोई भी तुम्हारे हमारे नाम पर गीत होगा तुम्हारा नाम जरूर लेगा, हाथ जोरे बनिया कसूर माफ कई दे, हम बड़ा यमह के ज्ञान कछु दई दे, रामे राम देते देखाई हमार कोई का करिया, प्रभु प्रभु आप तो तीनों लोक के मालिक है साहब, तीनों लोक के मालिक है, हमके कुछ ज्ञान दे राम के दिखाई दे, जब राम सर्वत्र बा हर व्यापक बा हर जगह पर बा तो आप प्रभु को दर्शन कराए दे, कबीर साहब ज्ञान दिया, कबीर साहब ज्ञान दिया, कौन से ज्ञान दिया, जौन ज्ञान किसने अर्जुन को दिया, जौन ज्ञान हनुमान पाए रहे, जौन ज्ञान मीरा ने पाया, जौन ज्ञान अर्जुन ने पाया, जौन ज्ञान ध्रुव पाया प्रहलाद पाया, आज बाबा सतगुरु हरदेव सिंह महाराज सारे विश्व में ज्ञान बांट रहे हैं, वही पाठ चल रहा है।
तो कबीर साहेब ज्ञान बतावा और बनिया भक्ति में सुख पावा। अरे बनिया मौज उड़ावा जपायन हरि दर्शनवा गिया नवा बिना पागल बनिया। विचार कर जौने शायद ज्ञान बनिया पायस नाच गे नाच गवा लोई के पैदल लिया के आवता लोई के लिया कबीर साहब जब पैदल आवत हैं पीछे लाख बनिया चला। धन्य है प्रभु कबीर साहब तो गए न अपने कुटी की ओरी बनारस में और साधु अपने घरे गए तो बनिया के आके नाचत। बनिया कहे आज कौन मंत्र पाए है बड़ा खुशी है कहे काम बन गया वाह। हम सोचे रहे कि काम बिगड़ जाए लेकिन काम बन गया वाह। मेरे दोस्त बनिया पूछा था कबीर साहब से तो कहे तब का पाए तो यहीं पर एक ही तर्ज बा रिम जिम बरसई सावा नवा हो पियाया ये नगरवा। यह एक बिरहाया लाल जी पानी बरसा था ये तर्ज का नमूना रचे बताई दे क्या यह माँ अकेल भय पर जब सावन में बिजली तड़का था और दामिन दमका था एक दिन ऐसे बात होत रही कि कभा को बड़ी मजा मिलत है एक ही मेहरारू अपने मन से दुख लगे लेटी बा जब बड़ी जोर से दऊ गड़गड़ान बादर तो पूछा था मेहरारुआ कहो नन कहू को बाबू एक आवाज ऊपर से आवा था गड़गड़ात बकाही कहे हाँ भगवान कृपा है कहे भगवान कृपा का है कहे चमकत का ही बा कहे भगवान कृपाया कहे भगवान है के कुल कृपा बा ती कैसन या कहे तू ना जनबू कहे कैसे वह सोचे कहे कुछ बताओ तो मन से दुआ सोचा तो ना कुछ बताओ ती कहे इतना बड़े के तू पढ़ा लिखा हो के ना ही बताओ था अंधज को भगवान का सुमिरन कह के का बताओ था कहे जब गरजत ही न आवाज आवत गरजबे के ना तो भगवान बदरवन के डांटत ही कि साले तुम लोग ही रुके के वहां बरसते क्यों नहीं बरसते हाँ अच्छा कहे हाँ डांटत ही जो आवाज आवत है अब कहे चमकावत ही कहे कहा हमारे टार्च जलाए के देख थी कहाँ पानी बरसा बा या कहाँ नहीं बरसा बा बड़ा मजा में अरुआ पाए तो वैसे कहत का बा दुल्हा नहीं आए पानी बरता था अकेले बा और कहूँ रात खिड़की खुली और कहूँ झकोर के पुरवैया मारे से एक लहरा पानी भीतर तक चलाया अब अकेले में उही में मुंह से निकलिया और तब से बिलार देख के झपटी ओकर जीव धकर 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 करता उ कहत का बा रिम झिम बरसई सवनवारे पियाए न घरवा डर लागई बाजई का गनावा हो पियाए न घरवा। भागीरथी चटनी रही रचके तेही तर्ज में वो बनिया का कहता
अपने मेहरिया के आगे नाचता। दुकानदार है आए सामान ले, कहे कदम आजन नाचत है, कहे हम नहीं नाचत है, क्यों नचावता। जब आदमी खुशी होत है, कौन चीज बढ़वार पावत है, तो मन में खुशी उठत है, तो सिवाय गुनगुनाबे के और नचबे के सिवाय और कुछ उसके कुछ नहीं आवत। चाहे कुछ बने या न बने, लेकिन हर आदमी खुशी में कुछ न कुछ गुनगुनात। तू बनिया कहत का बा, मेरा रू पूछत है ननका बाबू जी, बताओ तू काई नाचत है, काई हंसत है, का बात है आज। वैसे तो तू मुंह फुलाई के बैठा रहत रहे, सिवाय कबीर साहब के दुल्हन के देखे चक्कर में पड़त रहे, हाथ तो के कौन मंत्र मिल गया बा। तो बनिया का कहता, सतगुरु दी हलेनी ना नजरिया रे, हम तो देखे लगे खई लगी, चीन है लगी, जान है लगी, तब बाबा जी दिहले नजरिया हो, हम तो देख लगे तो बिना सतगुरु के गुरु नाय सतगुरु, बिना सतगुरु कोई पार न भवाबा, लख चौरासी में भटका पराबा, सर से उतर गई गठरिया हो, हम तो देखे लगे एक। आज हम जान गए परमात्मा एक बा, साधो जान गए। कबीर साहब ने कहा, साधु ने सुना, यही जगह जितनी भजन बनी कबीर साहब के नाम से, सब साधु के इशारा दे के कहा, कबीर सुना भाई साधु, साधु साधु को मतलब तख्तों लगातार सुना तो साध ले। एक प्रभु की रचना सारी, रहा मालिक सब फुलवारी, अंग संग मिल गया सामरिया हो, हम तो देखे लगे परन बताए ज्ञान दिया। आज बाबा जी वही ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब बनिया से एक मिलान हुई थी, जैसे आत्मा परमात्मा से मिलान हो जाता है, जैसे एक जनाना मर्दाना से मिलान हो जाता है। कब कब कितना बात, बनिया खुशी में जय जय मनावाई, साहेब कबीर का निस दिन गुण, साहेब कबीर का गुण सब गावाई, साहेब कबीर का जय हो, सारे संसार में जय बोले। खुशिया का उठैला हरिया हो, हम तो देखे लगे गांव देश के लोग। बनिया के द्वारे आए सब जय जयकार होता, बनिया सत्संग फाना, बड़े बड़े महापुरुषन के बुलाया,
बड़े बड़े लोगन के बुलाया और उसमें जग किया, सबको खिलाया पिलाया, तब वह जगह पर बनिया का कहता एक तर्ज बदल गया। तर्ज वही बा माया के नगरिया में लागल बा बाजारिया हो, लागल बा बाजारिया हो, सच्चा सौदा कैले है महान हो। बनिवा अपने चेते नहीं बोलता है अब ओकरे सिरे कबीर साहब चढ़ा है, ओकरे बनिया के शरीर में ईमानदारी चढ़ी गई बे। अब तो जितना टेनी मेनी मारत रहा, जितना बेईमानी करत रहा, कहत कहा कि हम का किया कबीर साहब तो यहां तलक कहे कहे कबीर कब से सही कहा जब से चेतई। एक कबीर साहब को बोलिया हियां तलक कहें कि अब लन नसानी अब न नसई हो, जौन नसाई गई तौन नसाई गई लेकिन अब बचाओ। यही बदे विद्या से ढेर दिना लड़त रह गए, आखिर गौने गए लेकिन काम बिगाड़ के मास्टरों को बिगड़ा। एक जने के तब समझावत समझौत थोड़ा सा बात बनी, लेकिन कहा कबीर कब से सही जब से चेत आज जा। आज इंसान का दर्जा पाए है, इंसान भगवान बन सकता है, राक्षस बन सकता है, दोनों पाठ चलता। जेकर भलाई कह दे भगवान कहता, जेके तकलीफ दे दे राक्षस कहता, दोनों पाठ तोहरे अंदर में बा। बनिया कहत का बा, अब दूसरे के कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो कहत है साधत जा हम फंसा रहे सधी के है। कभो कभो रोगी वैद बन जावा करते, चोरी बेईमानी कई के माया बटोरे खूब, माया बटोरे खूब, साथ न जाए कोई समान हो राम राम। कहते है भैया आधा खराब कह लिया, आधा खराब हो गया, आधे में बच गई। अब देख तो कहते बोला जो नहीं बची तो सहाय लहा लिया। धोखावा में बीती जाता तोहरी जवानिया रे, तोहरी जवानिया रे, चार दिन का बात न मान राम राम। ये कहती लाल जी का यार अति के है, चार दिनक दिन रह गए बाबा। कहती तो सब लेकिन जब करत तब तो मजा बा। बहुत जने कहती बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोलतीन कि एक बुढ़िया रही, एक जनी सुख खात रही, नई नई दुल्हन कहे कद दुल्हन सुख खाते कहे का करी मावा,
आज कुछ रहा नहीं, कहीं आए हो तू हमारे से घिवली आई हो तू। बिहान से सुख बने के गई दुल्हनिया, कहे कैसे आओ ब, कहे कहे रहो घियना, कहे चुप रह तू बिटिया हमार खाली घी उस बात ब, घी कहाँ धरा बा, क्या बने कहा जाता। बड़े बागी पाए बाट मानाई का तानावा हो, सबसे ऊंचा तो राजा सा थान हो राम राम, वही से प्यार कैले जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं। एक बात विचार करना, कोई कोई सहारा नहीं, हम आज रह काल रह कहा कि वाह काल करत हो आज, आज करत हो अब है तो सब इसे प्यार कैले ये जीवन का भरोसा नहीं, अच्छा बुरा देखत भगवान राम राम। ए गुरुवर राम ही तकर माया और लिखी के कविता न, अरे राम कैलाश गावै ना माई मकनवा, गियनवा बिना पागल बनिया।